नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 20 फरवरी से 26 फरवरी वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल की और शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि के साथ। देखिए, मेष राशि वालों की स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हो रही है, सुधार हो रहा है और आपके करियर और धन का मामला निरंतर अच्छा बना हुआ है। थोड़ा स्वास्थ्य को लेके और परिवार को लेके दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन अगर आप धैर्य से और शांति से रहेंगे तो आने वाला समय आपका बेहतर होने में कुछ ही समय बाकी है, कुछ समय में स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। परिवर्तन के लिए उपयुक्त समय है, आप सोच सकते हैं। धन की कोई मुश्किल नहीं है, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। अपने क्रोध और अपने वाणी पर इस सप्ताह में नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो बेवजह पारिवारिक विवाद होंगे, पारिवारिक समस्याएं होंगी। पूरे सप्ताह में भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक स्थितियां बेहतर होंगी, करियर के मामले में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास करेंगे और वो काम आपका बनेगा। वृषभ राशि वाले दो बातों का ध्यान रखें, एक तो पैसे के खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखें और कीमती सामान संभाल कर रखें, बेवजह आपके सामान खो सकते हैं। घर में बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का इस सप्ताह में ध्यान रखिएगा और जो भी नया काम शुरू कर रहे हैं शांति से धैर्य से करिएगा, आने वाले समय में उसके परिणाम बेहतर मिलेंगे। इस सप्ताह के अंत में वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी रखना आपके लिए जरूरी होगा। वृषभ राशि के लोग पूरे सप्ताह में भगवान शिव की अगर पूजा करें तो इसके परिणाम उनके लिए बेहतर होंगे। मिथुन राशि, बहुत सारे रुके हुए काम इस सप्ताह में आपके पूरे होंगे, धन की मुश्किल दूर होगी, पैसे निरंतर आते रहेंगे, लेकिन इस सप्ताह में आपकी दौड़ भाग बढ़ी रहेगी अपने करियर को लेकर और अपने परिवार को लेकर के। केवल आपको अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है या पेट की दिक्कत है तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा, बाकी मामला इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं तो सप्ताह के अंत में करिएगा, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। पूरे सप्ताह भगवान गणेश की अगर आप पूजा करें तो यह सप्ताह आपके लिए बढ़िया रहेगा। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव है, प्रेशर है, स्ट्रेस है, बेवजह की चिंताएं भी दिख रही हैं, लेकिन ये केवल सोमवार मंगलवार की बात है। इन दो दिनों में थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, मंगलवार के बाद स्थितियां आपकी बेहतर हो जाएंगी। करियर से संबंधित कोई लाभ इस सप्ताह में दिख रहा है, आकस्मिक धन की प्राप्ति दिखाई दे रही है और सप्ताह की शुरुआत के बाद से बाकी सप्ताह आपके लिए शानदार रहेगा। उपहार और सम्मान का लाभ भी इस सप्ताह में आपको प्राप्त होगा। सप्ताह के अंत में यह संभावना बन रही है कि आप धार्मिक रूप से, पूजा पाठ में, आध्यात्मिक रूप से कहीं व्यस्त रहेंगे, जो कि एक अच्छी बात होगी। कर्क राशि के लोग पूरे सप्ताह शनि मंत्र का जप करें तो उनके लिए बढ़िया रहेगा। सिंह राशि, सप्ताह आपके लिए अच्छा है, खास तौर से पैसों के मामले में बहुत ही बेहतर है, काम भी आपका ठीक दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा तनाव अपना घटाइए, बेवजह की चिंताएं मत करिए और खान पान का ध्यान रखिए। सिंह राशि के लोग अगर वाहन चलाते हैं तो इस सप्ताह में वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी रखेंगे। अगर किसी शिक्षा के या प्रतियोगिता के परिणाम आने वाले हैं तो इस सप्ताह में वो परिणाम आपके पक्ष में आएंगे, आपको चिंता की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप संतान को लेकर के या संतान प्राप्ति को लेकर के चिंतित हैं तो थोड़ा सा इंतजार करिए, आने वाले समय में आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। सिंह राशि के लोग पूरे सप्ताह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो उनके लिए बेहतर होगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है आपके लिए, धन का मामला अच्छा है, परिवार का मामला अच्छा है और काम का मामला भी अच्छा दिख रहा है। इस सप्ताह में आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं।
ऐसा हो सकता है कि कोई संपत्ति खरीदने के बारे में या वाहन खरीदने के बारे में आप विचार करें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। इस सप्ताह के अंत तक आप जाइएगा, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन सप्ताह के अंत में रक्तचाप, ब्लड प्रेशर का और अपनी आंखों का थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। कन्या राशि के लोग पूरे सप्ताह भगवान शिव की अगर पूजा करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है, धन की स्थिति अच्छी है और करियर की स्थिति अच्छी है, लेकिन जिनके साथ काम करते हैं, जिस ऑफिस में, जिस व्यापार में, उनके साथ संबंधों पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके रिलेशंस अपने ऑफिस में, अपने कार्यक्षेत्र में अच्छे नहीं हैं। थोड़ा सा ध्यान अपनी संतान पर भी अगर आप बनाएं इस सप्ताह में तो बेहतर होगा। बाकी धन की, करियर की स्थिति कुल मिला के ठीक है। इस सप्ताह परिवार में कोई शुभ और कोई मंगल कार्य आपके लिए हो सकता है। तुला राशि के लोगों को इतना कहना है कि पैसे आ रहे हैं, लेकिन उनको बचाने के बारे में सोचिए, वरना आने वाले समय में कठिनाई हो सकती है। तुला राशि के लोग पूरे सप्ताह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की अगर पूजा करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव है, खुद के स्वास्थ्य को लेके और परिवार में किसी बड़े के स्वास्थ्य को लेके टेंशन हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। करियर का मामला, धन का मामला बढ़िया बना रहेगा और हो सकता है इस सप्ताह किसी के विवाह की बात फाइनल हो जाए, किसी की शादी तय हो जाए या आपकी खुद की विवाह के सिलसिले में बात बन जाए, ऐसा लग रहा है। अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं या कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो उसमें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहां पर आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। वृश्चिक राशि के लोग पूरे सप्ताह में हनुमान जी की उपासना करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि, ये सप्ताह आपके करियर में नई शुरुआत का सप्ताह है, करियर की बाधाएं दूर होंगी, नए काम करने के बेहतर अवसर आपको प्राप्त होंगे और ये सप्ताह आपके लिए लंबी यात्राएं भी दिखा रहा है। वाहन सावधानी से चलाएंगे इस सप्ताह में, अपने खान पान, डाइजेशन का थोड़ा ध्यान बनाए रखेंगे, लिखा पढ़ी के कार्यों में सावधानी रखेंगे, कुछ भी ऐसा लिखिएगा नहीं, कोई भी ऐसा सिग्नेचर, मैसेज वगैरह मत करिएगा जिसकी वजह से आप किसी मुश्किल में पड़ जाएं। इसके अलावा धनु राशि के लोग अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को अगर गोपनीय रखें तो उनके लिए बेहतर होगा। बाकी मामले आपके लिए ठीक हैं, नई शुरुआत का वक्त है, उसके लिए तैयार हो जाइए। धनु राशि के लोग पूरे सप्ताह में हनुमान जी की पूजा करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। मकर राशि, कोई बड़ी सफलता मिलने के संकेत इस सप्ताह में आपके लिए दिख रहे हैं, कोई बड़ी सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी जो धन से जुड़ी हुई होगी। संपत्ति संबंधी कोई महत्वपूर्ण काम भी इस सप्ताह में आपका बनेगा, ये संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। मकर राशि के लोगों की दौड़ भाग तो बढ़ेगी इस सप्ताह में, लेकिन मान सम्मान और नाम यश आपको मिलेगा और आपकी चिंताएं कम होंगी। सप्ताह के अंत में थोड़ा आराम का ध्यान रखें, प्रेशर से बचें, खान पान में सावधानी रखें, क्योंकि सप्ताह के अंत में थोड़ा स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। मकर राशि के लोग पूरे सप्ताह में शनिदेव की उपासना करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, इस सप्ताह में आपका स्वास्थ्य बेहतर दिखता है, आपकी मानसिक स्थिति बेहतर दिखती है, धन की और करियर की स्थिति में भी आपके लिए सुधार दिखाई दे रहा है। बहुत सारे रुके हुए काम भी इस सप्ताह में आप निपटा पाएंगे, ये संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं। केवल इतना ध्यान रखिए कि समय की थोड़ी प्लानिंग करिए, अपने खान पान, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, आराम पर ध्यान रखिए तो चीजें आपकी बेहतर होंगी। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर कोई काम लंबे समय से टाल रहे हैं तो उस काम को इस सप्ताह में निपटाने का प्रयास करिए। कुंभ राशि के लोग पूरे सप्ताह में भगवान शिव की अगर उपासना करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि,
अभी आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से बेहतर नहीं है, सप्ताह की शुरुआत में हो सकता है बहुत अच्छा ना हो, थोड़ा मन भी आपका परेशान हो या परेशान रहे, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये एक दो दिन की बात है, उसके बाद से चीजें बेहतर होंगी। करियर में नई शुरुआत हो सकती है, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और नए काम के सिलसिले में आपकी मेहनत भी बढ़ सकती है। ये समय नए प्रेम संबंधों की शुरुआत का भी है और आपके विवाह के तय होने या विवाह के होने का भी है, तो उस दिशा में भी आप काम कर सकते हैं। मीन राशि वाले सिर्फ इस समय इतना ध्यान रखें कि जो अवसर मिल रहे हैं उन्हें पकड़ते चलें, क्योंकि इस समय जो अवसर मिल रहे हैं वो आगे आपको जिंदगी में सहायता करेंगे। पूरे सप्ताह में मीन राशि के लोग भगवान शिव की पूजा करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल। अब आपको पुनः जरूरी सूचना देते हैं कि अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से या विशेष स्थितियों में व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारे दो नंबर हैं 9818072644 9911807700। इन दो नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं प्रातः काल 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और फिर दोपहर 3 बजे से शाम को 6 बजे तक आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। रविवार और अवकाश के दिनों में ये नंबर बंद रहते हैं। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।